अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुमरन्स किचन डिलाइट में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपके साथ टैंगी ऑरेंज आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यह आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है, आई होप यह आपको भी पसंद आएगी। आप सब भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी बनी थी। तो फिर चलिए आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ्रेश ऑरेंज लिए हैं। हम इस आइसक्रीम को फ्रेश ऑरेंज से बनाएंगे। अब इसे कट करके इसका जूस निकाल लेना है और एक छन्नी की मदद से इसे अच्छे से छान लेंगे। इससे इसके बीज और फाइबर अलग हो जाएंगे। इसके बाद एक कप व्हिप क्रीम लेना है, जिसको हम हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। पहले एक मिनट के लिए स्लो स्पीड पे और फिर स्पीड को बढ़ा के इसे बीट करना है इस तरह से। अब फ्रेश क्रीम लेना है 1/4 कप, मतलब पाव कप। जिससे मैंने व्हिप क्रीम लिया था वही कप से मैं 1/4 कप फ्रेश क्रीम लूँगी। अब फ्रेश ऑरेंज जूस लेना है 1/4 कप। इसके बाद कंडेंस्ड मिल्क ऐड करना है 1/4 कप। शक्कर की जगह पे हमें कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करना है, इससे आइसक्रीम में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने ऑरेंज एसेंस लिया है, आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास है तो मैं इसे एसेंस डाल रही हूँ। आइसक्रीम को बहुत ही खूबसूरत कलर आने के लिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अब इन सारी चीज़ों को एक सिलिकॉन स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए एक दूसरे में, इस तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, टैंगी ऑरेंज आइसक्रीम का बेस हमारा इस तरह से तैयार हुआ है। अब इसे हम कंटेनर में ट्रांसफ़र करके इसे फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक फ्रीज़र सेफ मोल्ड लिया है, जिसमें हम आइसक्रीम बेस को इसमें ट्रांसफ़र करके इसे फ्रीज़र में रख देंगे। बेस ट्रांसफ़र हो गया है, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा कलर कम लग रहा था, इसके लिए मैं ऊपर से 2-3 ड्रॉप डाल के एक स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स कर लूँगी हल्के हाथों से बस। अब इसे ढक्कन लगा के हम फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। 8 से 10 घंटे के लिए रखना है। 8 घंटे तो हो गए, चलिए आइसक्रीम देखते हैं सेट हुई है या नहीं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट आइसक्रीम सेट हो गई है। चलिए अब इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आइसक्रीम एकदम परफेक्ट, जैसा आइसक्रीम पार्लर में बनती है उसी तरीके से बन के तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये मेरी आइसक्रीम की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकॉन क्लिक करें, जिससे हमारे रेगुलर अपडेट आप तक सबसे पहले आते रहेंगे। टैंगी ऑरेंज आइसक्रीम की ये फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे थी। इसके बाद मैं 49 फ्लेवर के आइसक्रीम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए फ्लेवर के आइसक्रीम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।